हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आपके स्मार्ट टीवी के अंदर हॉटस्टार एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है, जब भी आप रिमोट से उसको लॉन्च करते हो तो आपका एप्लीकेशन या तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है जैसे ही लॉन्च होता है, या फिर आपका लॉन्च होता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आपको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, मैं जैसे ही यहाँ पर दबा दिया मैंने ये बटन, तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हो रहा है। हो सकता है आपका कुछ एरर यहाँ पर आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो टीवी है चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, आपको क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। ठीक है, आपके टीवी की सेटिंग्स के अंदर आपको चले जाना है। सेटिंग पर रिमोट से क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। हो सकता है आपके टीवी के अंदर एप्लीकेशन के नाम से वो ऑप्शन हो। तो फ्रेंड्स जस्ट आपको यहाँ पर जाना है और उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और इस लिस्ट के अंदर अगर आपका हॉटस्टार एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है तो आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पर उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस लिस्ट के अंदर आपको हॉटस्टार जो एप्लीकेशन है यहाँ पर देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो हमारा एप्लीकेशन था यहाँ पर वो शो होने लग गया है। आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर कैसे का। ये क्या होता है, आपके टीवी के अंदर कुछ कुकीज़ वगैरह फाइल जो हॉटस्टार की एप्लीकेशन थी यहाँ पर वो जमा हो जाती हैं। कई बार वो प्रॉब्लम कर देती हैं तो कई बार वो चलने नहीं देता आपका एप्लीकेशन को। तो आपको क्या करना है, इनको क्लियर कर देना है। ओके, और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, थोड़ा ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक फॉर स्टॉप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ओके करते हो तो आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर डेटा का एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने आपके हॉटस्टार एप्लीकेशन के ऊपर अगर ऑलरेडी साइन करके रखा था, साइन इन जो आपने लॉगिन करके रखा था आपके हॉटस्टार के अंदर, आपको यहाँ पर वो साइन आउट हो जाएगा। आपको क्या करना है, वापस से आपके हॉटस्टार के अंदर जब इसको लॉन्च करोगे, जब आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तो आपको एक बार वापस से साइन इन करना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लिक करने से आपका जो आपने सेटिंग लगा के रखा था हॉटस्टार के अंदर, जो लॉगिन करके रखा था, बस एक बार साइन आउट हो जाता है। आपको क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके कर देते हो तो आपका यहाँ पर डेटा रिमूव हो जाएगा। आप उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक अनइंस्टॉल का एक ऑप्शन मिलेगा। ये क्या होता है कि अगर आपके हॉटस्टार के अंदर कोई भी अपडेट्स आ गया है, ठीक है, वो अपडेट्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एरर है, जिसकी वजह से आपका जो ये हॉटस्टार एप्लीकेशन है चलता नहीं है, तो आपको जस्ट यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर ओके कर दीजिए, एक बार यह एप्लीकेशन जो आपके यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, रिमूव होने के बाद उसको आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्ले स्टोर का। जस्ट आपको क्या करना है, आपका जो टीवी है उसके प्ले स्टोर में चला जाना है, जहाँ से आप अपनी जो भी आपके टीवी के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो वहाँ पर चले जाना है। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलेगा। सर्च का ऑप्शन मिलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च टू जो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको हॉटस्टार टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं हॉटस्टार यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर एच टाइप किया तो यहाँ पर हॉटस्टार का ऑप्शन वैसे ही हाईलाइट हो गया। यहाँ पर जाके क्लिक कर दीजिए,
तो आपका यहाँ पर प्रॉपर आ जाएगा, यहाँ पर बैक कर देना है। और फ्रेंड्स आपको एक बार वापस से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, जो हमारा एप्लीकेशन है वापस से एक बार इंस्टॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन था यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। आपको यहाँ से भी आप ओपन करोगे तो ये एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। अगर आप बैक आते हो और जहाँ से आप एप्लीकेशन लॉन्च करते हो आपका एप्लीकेशन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वापस आ चुका है। यहाँ पर जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो जस्ट आपको वापस से आपके जो ये एप्लीकेशन है एक बार वापस से साइन इन कर लेना है। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी आपका नंबर है जिससे आप लॉगिन थे आपके हॉटस्टार के अंदर, जस्ट आपको साइन अप कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं बैक कर दूंगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको आपके स्मार्ट टीवी के अंदर डिज्नी हॉटस्टार वर्क नहीं कर रहा है, लॉन्च नहीं हो रहा है, तो आपको कैसे ठीक करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।